अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सप्ते। नाज़रीन, आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने कहा है कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत अपने बच्चों को निसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाएगा। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी खामोशी तोड़ते हुए फाइनली कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर आखिरी हद तक सब्र तहमुल का मुजाहरा कर चुके, ताहम बेगुनाह शहरियों पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। व्यूअर्स, खित्ते में ये संगीन सूरत हाल है। भारत जंगो जदल का खाहा है। इस जंगी जनूनियत से खित्ते में भारत की पोजीशन जो है वो मजीद खराब होगी और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के अलमबरदार नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो इंतहा पसंदाना हिकमत अमली है उससे भारत को तशद्दुद पसंदाना रियासत बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि भारत में एक महज़ब जमहूरी हुकूमत है ही नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद की दुश्मन हिंदुत्व की हुकूमत है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भारत की जंगी जनूनियत जो है खित्ते में एक हौलनाक जंग का आगाज कर सकती है। हम दो दिन कबल मीडिया में सबसे पहले सरताज अजीज की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए भारत जाने के हवाले से आवाज उठा चुके हैं कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस का न सिर्फ बायकॉट करना चाहिए बल्कि जंगी जनूनियत पर हुकूमत को सख्त मौकफ अपनाना होगा। भारतीय जंगी जनून को देखते हुए मुशीर खारजा सरताज अजीज को भारत जाने के इस फैसले को वापस लेना पड़ सकता है। आज ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने भी सरताज अजीज के भारत जाने की मुखालफत की है और अगर आइंदा खाकम बदहन जंग नागुजीर हुई तो हालात किस हद तक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं और क्या अगर मसला कश्मीर हल की तरफ बढ़ा और इंशाल्लाह कश्मीरियों को जुल्म इस्तबदाद से आजादी मिली तो क्या उसके बाद खालिस्तान और दीगर तहरीकें भी जोर पकड़ सकती हैं? क्या भारत टूट जाएगा? ये हमारा सवाल है। इन सब पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान होंगे उनके बारे में बताते चलें। दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज हमारे साथ हैं। नून लीग से हमें ज्वाइन करेंगे मुसद्दिक मलिक साहब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगी और तहरीक इंसाफ से शरीक गुफ्तगू होंगे इमरान इस्माइल साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो जो आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने कहा कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत अपने बच्चों को निसाब में पाक फौज के किससे पढ़ाएगा, क्या हिकमत अमली नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से? क्या स्टैंड लिया जाएगा? भारत की इस जंगी जनूनियत का किस तरह से जवाब दिया जाएगा? देखें, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत रिस्ट्रेंड किया है और सिर्फ मैचिंग रिस्पांस दी है, वो भी सिर्फ उनके बंकर्स को, उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके ट्रुप्स को नुकसान पहुँचाया है। प्रॉब्लम बेसिकली पाकिस्तान की ये है डाइकोटमी के दोनों तरफ कश्मीरी मुसलमान भाई हैं एंड वी कॉन्ट बी इनडिस्क्रिमिनेट कि हाँ मंदा दूधा टिली फायर भी कर दें, मोटर फायर भी कर दें और उनका नुकसान पहुंचाएं, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों तरफ हमारे अपने मुसलमान कश्मीरी भाई हैं। यहाँ तक तो ये बात हो गई, लेकिन एक हद होती है रिस्ट्रेंट करने की और इसी वजह से कल कोरट क्वार्टर में जो कॉन्फ्रेंस भी हुई वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि नाउ एनफ इज़ एनफ एंड वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड सर्टन वीक पॉइंट्स, क्योंकि जब भी आप पीस टाइम में होते हैं तो आप दुश्मन की कई जगहों को आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से टारगेट्स हैं। अगर इन केस इंडिया कोई ऐसी बात करता है, दुश्मन करते हैं, तो हमने वहाँ पर जाकर इंडिया को और उनके मोर्चों को, उनके लोगों को नुकसान पहुँचाना है। वो दे ऑल बीन सिलेक्टेड, उसके बाद उनकी रिहर्सल भी की गई होती है, उनका टारगेट रजिस्टर्ड भी किया होता है। द ओनली थिंग इज़ प्रेस द ट्रिगर। और ये मेरे ख्याल में आई एक्सपेक्ट कि एक आध दिन में मुझे ये रिस्पॉन्स नज़र भी आएगी, क्योंकि जब तक इंडिया को हिंदू मेंटेलिटी को और ये मोदी दहशतगर्द को जब तक आप इनके सख्त रवैया नहीं करेंगे, ये आपको कमज़ोरी समझेंगे और ये आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। जो ही इनको उनके ऊपर डंडा बरसाया जाएगा ये बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये तो रिस्पॉन्स है और आई एम एक्सपेक्टिंग ये होगी और होनी चाहिए, बहुत हो चुका। और शुक्र है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई स्टेटमेंट दी और डिफेंस मिनिस्टर ने भी दी है, लेकिन अभी और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की ज़रूरत है। ना तो कल की कैबिनेट मीटिंग में मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसके खिलाफ बात की हो, ना ही मैंने कोई सेनेट का और फिर नेशनल असेंबली का कोई सेशन ऐसा देखा जिसमें जॉइंट रेजोल्यूशन होना चाहिए ताकि दुनिया को इस खत्ते के सीरियस हालात का अंदाज़ा हो। जब आप अवामी नुमाइंदे करारदाद लाते हैं तो दुनिया में इसका असर होता है। और साथ ही साथ इस वक्त तकरीबन हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा, हमारा दोस्त चाइना और टर्की दो जो हमेशा से साथी हैं वो खड़े हैं।
ये सबसे बड़ा पाकिस्तान को इस पर तश्वीश होनी चाहिए और हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कम अज़ कम हमारे मुसलमान दोस्त मुल्क जो बहुत ज़रूरी हैं उनको, वो उनकी तरफ से मैंने आज तक कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट नहीं सुनी, तो ये चीज़ें हमें साथ देखनी पड़ेंगी। चलिए ठीक ठीक है, हमारे से मुसद्दिक मलिक साहब भी मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने ब्रिगेडियर गुफ्तगू सुनी, वो शुक्र भी अदा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से खामोशी जो है वो टूटी, और उन्होंने भी कहा कि सब्र तहम्मुल की हद हो गई है। ये बताइएगा कि सब्र तहम्मुल की अगर हद हो गई है तो फिर अब क्या किया जाएगा? क्या मुशर्रफ ख्वाजा साहब को वहाँ पर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भेज दिया जाएगा? तो ये हमारे सब्र तहम्मुल की हद होगी। साथ ही साथ उन्होंने ख्वाजा पॉलिसीज़ के ऊपर भी अभी तनकीद की, उस हवाले से भी कुछ बताइए। क्या हमारी ख्वाजा पॉलिसीज़ का ये फेलियर है कि हमारे साथ इस वक्त दीगर ममालिक जो है, कम अज कम मुसलमान ममालिक जो है, वो इस इशू, इस कॉज के ऊपर उस तरह से खड़े नजर नहीं आते? आप टर्की को अगर एक साइड पे कर दें। देखिए ब्रिगेडियर साहब की तो मुझे अनफॉर्चुनेटली आवाज नहीं आ सकी, इस वजह से मैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुन पाया, लेकिन जो आपने सवाल उठाए हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान इस वक्त बेसिकली चाहता ये है कि ये जो वो इस वक्त जारहियत जिसका मुजाहरा कर रहा है, वो उसकी कोशिश ये है कि कश्मीर के ऊपर से दुनिया की नजरें जो हैं वो हट जाएं, और कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान ने सफारती कामयाबियां हासिल की हैं और जो कोशिशें की हैं वो सबके सामने हैं। ओआईसी के जितने भी सफीर और जो हेड्स थे उन सबको आपको याद होगा मरासले पेश किए गए, यहाँ पे जो भारतीय सफीर हैं उनको बुला के संगीन प्रोटेस्ट किया गया, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी ममालिक जो उसके अंदर शरीक होते हैं उन सब के सफीर जो हैं उनको बुला के बड़े सख्त मरासले जो हैं वो पेश किए गए, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस को उनको मरासला दिया गया, और पाकिस्तान के तमाम सफारतखाने जो हैं वहाँ पे भारत के हवाले से, उनकी जारहियत के हवाले से और कश्मीरी हकूक के हवाले से मरासले जो हैं वो अरसाल किए गए, और ना सिर्फ अरसाल किए गए बल्कि वहाँ के सुफरा जो हैं उनको ये कहा गया कि वो अपने अपने ममालिक के अंदर जाके शदीद लॉबी करें, और जो जारी है लॉबी, और फिर इसी तरह मल्टी पार्टीजन ग्रुप्स भी बनाए गए सियासतदानों के भी, जिन्हें भेजा गया, उन्हें ब्रीफिंग्स भी दी गई और उन्होंने जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी की, और ये अमल चल रहा है। अब इस अमल की वजह से जो हिंदुस्तान को नाकामियाँ हो रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनके आने का सिलसिला जो है उसको उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा इस राउंड में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी कोशिश ये है कि ये तमाम गुफ्तगु जो ये है सिवाय बजाय कश्मीर के बॉर्डर स्कर्मिशेस में तब्दील हो जाए, और हम इस बात पे मुसर हैं कि नहीं, ये कश्मीरी हकूक की बात है और इंसानी हकूक की बात है। पहले आप सिर्फ अपने मुल्क के अंदर जो है जारहियत कर रहे थे, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कश्मीर है वहाँ पे मुसलमानों का खून बहा रहे थे, और हमने पूरी दुनिया के सामने इस बात को उजागर किया। अब आपको क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान हो रहा है आपकी रेपुटेशन को, और वो जो शाइनिंग इंडिया थी उसके साथ दूसरी तरफ वो काला इंडिया भी नजर आना शुरू हो गया है, तो अब आप ये चाहते हैं कि ये स्कर्मिशेज हों ताकि पूरी दुनिया में बात ये फैल जाए कि दो एटमी ममालिक के दरमियान में स्कर्मिशेज हो रही हैं और कश्मीर का जिक्र जो है उसमें से निकल जाए। तो हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसकी कामयाबी ये है कि हम दोनों तरफ साबित कदम रहें, एक तो जो इंसानी हकूक की वायलेशंस जो हो रही हैं, जिस तरह वो बसों के अंदर मिसाइल मार रहे हैं और एम्बुलेंसेस को जद में ले रहे हैं, वो एक तो हम वो दुनिया के सामने उजागर करें, दूसरा बल्कि सबसे पहले वो जो कश्मीरी हकूक की वायलेशंस हो रही हैं उनको फोकस में रखें और पूरी दुनिया को दिखाएंगे हिंदुस्तान का असल चेहरा। अच्छा। और तीसरा, जैसा आपने देखा है कि जब वो हमारे यहाँ आके हमला करते हैं, अगर हमारे 3 जवान शहीद होते हैं तो उनके 9 जवान मरते हैं, अगर वो हमारे 1 घर को निशाना बनाते हैं तो हम उनकी 7 से 8 चौकियां जो हैं उनको सफाई हस्ती से नीस नाबूद कर देते हैं। ठीक है, तो मलिक साहब, अप्रोच है, ठीक है, आपकी बात समझ आती है जो आप बता रहे हैं, आप एक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, लेकिन उस पर्सपेक्टिव को ना ऑपोजिशन बाय कर रही है ना उस पर्सपेक्टिव को बाकी जो आवाम है उसको एक्सेप्ट उस तरह से कर रही है। आपकी बात बजा है, मरासले पकड़ाए जा रहे हैं, वक्त भेजे जा रहे हैं, एहतजाज जो है वो जिस तरह से मुमकिन एक पॉसिबल एक महजबाना तरीके से हो सकता है वो तो किया जा रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये सब ठीक है, बराबर कर रहे हैं हम? वो मकबूजा कश्मीर से निकल के आज़ाद कश्मीर तक पहुंच गए, वो हमारी शहरी आबादियों को निशाना बना रहे, हमारी तरफ से अभी तक ये डिसीजंस हो रहे हैं कि हम यहां से भेजेंगे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या अब हमें भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि हम भी बताएं कि हम भी कोई पहल कर सकते हैं? ये जो अभी बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हां जी जंग हो सकती है, आपको नहीं लग रहा कि अब हमें इन तमाम बातों से कुछ आगे निकल के कुछ करना है?
आपके ख्याल में जब आप कहती हैं कि जब मैं आपको कहता हूं कि वो हमारी एक चौकी पे या एक घर पे हमला करते हैं, हम उनकी सात चौकियां, हम तो जवाबन कर रहे हैं ना मुसद्दिक मलिक साहब, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए मेरी बात। आप जब मैंने आपसे कहा कि उन्होंने हमारे तीन जवान शहीद किए तो हमने उनके साथ जो अफसर हैं वो फौजी जो हैं मारे, तो आप जब कहती हैं हमें आगे बढ़ना चाहिए तो आपके जहन में क्या है? आप ये कह रही हैं कि हमें हमला कर देना चाहिए, एटम बॉम्ब फेंक देना चाहिए, आपके जहन में क्या बात है? नहीं, हमारे जहन में हरगिज, हमारे जहन में हरगिज ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो हम पर इस तरह के हमले कर रहे हैं, हमारी शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं, क्या ये अच्छा होता कि हम आगाज में उनको कोई ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे देते कि उनकी हिम्मत इस कदर ना बढ़ती? आज के ऊपर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और आप हमारी अस्करी कुत जो है और अस्करी ताकत जो है और दिफा करने की कैपेबिलिटी है उसको तो स्वाय टेलीविजन के किसी भी जगह पे सेकंड गेस नहीं किया जा रहा और अवाम के अंदर भी ये तासुर नहीं है। आप रोज देख लीजिए जब भी उन्होंने हमला किया और देखिए जानी और माली नुकसान के हिसाब से लाशें किसको ज्यादा उठानी पड़ी। ठीक है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हर कुर्बानी के साथ हम उनके तीन जवान गिरा रहे हैं और इससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हम दुनिया पे ये भी बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वो अपनी सरहदों की हिफाजत करना खून खूब जानता है, लेकिन हम तो जंग नहीं कर रहे हैं, हम पे जारहियत हो रही है। हम पे तो हमेशा ये इल्जाम लगाया गया है बैनुल अक्वामी मंडी के अंदर कि पाकिस्तान जारहियत करता है, हमने तो सबूत मुहैया कर दिए पूरी दुनिया को कि ये जारहियत हम पे हो रही है और कश्मीरी अवाम पे हो रही है और हमारी अवाम पे हो रही है और हमारी फौज को निशाना बनाया जाता है। लेकिन साथ के साथ हर महाज पे हम ये कह रहे हैं, हर मोड़ पे कह रहे हैं कि जब तुमने कोई अस्करी कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश की तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी और हर जवान के पीछे तुम्हारे नौ जवान गिरेंगे। चलिए ठीक, मुसद्दिक मलिक साहब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। शैला रजा भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद है। शैला रजा आप बताइएगा कि जो स्टेप्स इस वक्त पाकिस्तान ले, जैसा कि मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर वो हमारे एक मारते हैं हम उनके तीन मारते हैं, तो हम जवाबन तो शायद एक भरपूर जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या यही हिकमत अमली पाकिस्तान की होनी चाहिए? और अभी जैसे खुशीचा साहब ने भी ये बात उठाई है कि हमारे मुशीर खारजा जो है बेशक जिस भी इशू पर बात करने जा रहे हैं, हार्ड ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में वहां जा रहे, एक ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चों को, निहत्ते शहरियों को मारा जा रहा है, क्या यहां से वहां जाना एक सही कदम होगा, एहसन कदम होगा? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका महरीन। देखिए बात यह है कि ये बात सबको नजर आ रही है कि हमारे शहरी शहीद हो गए, कोयरटा में हमारे बच्चे शहीद हो गए, फिर कैप्टन शहीद हुआ, फिर हमारे बस पे फायरिंग की गई, फिर एम्बुलेंस पे भी फायरिंग की गई। लेकिन अफसोस और तशवीश का मुकाम जो है वो ये है कि ये सब कुछ हमें जो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, हमें बतानी पड़ रही है। जो चैंपियंस हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, जो अपने हाँ मिनट मिनट पे जिसमें मुतनाज़ा भी ना हो बात रेफरेंडम करा लेते हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। और उसकी वजह यही है कि जो हमारे अपने मुल्क में टेररिज्म है, हम उसको जो है ना, उसके जो टेररिस्ट हैं आज तक हमने उनको खुल के टेररिस्ट नहीं कहा। हम कहा हमारे यहाँ वो कुवतें मौजूद हैं जो ये करती रहीं कि नहीं ये टेररिस्ट नहीं है, तो वो इसको बड़े अफसोस की बात यह है कि फौज ने तो मेरी ज़र्बे अज़ किया, कुर्बानियां दी, सब कुछ दिया, लेकिन उस शक्ल में पॉलिटिकल पार्टीज जो थी बड़ी बड़ी वो उसमें पीछे नहीं खड़ी हो सकी, फौज के उस तरह साथ नहीं दे सकी, तो ये एक टेररिज्म, इंटरनल टेररिज्म डिक्लेयर होकर रह गया कि जी ये आपस में ऐसे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, मजहब ऐसा है। जबकि हम अगर एक इकट्ठे एक दफा होकर टेररिस्ट को टेररिस्ट कह देते तो फिर हम बड़े आराम से बताते कि देखें जी इंडियन मेक जो है वो असला हमारे यहां से निकल रहा है, ये इतने कौंसिल खाने हैं यहां से हो रही है, ये इतना सब कुछ है बलूचिस्तान में, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि हुकूमती जमात और एक और पीटीआई हम कह दें कि ये आज तक दहशतगर्दी को बुरा कहते रहे, लेकिन दहशतगर्द को इन्होंने आइडेंटिफाई करने में देर लगाई। और यही वजह है कि जब हमारे इधर भी सब कुछ हो रहा है तो हम वो हमदर्दी पूरी दुनिया से नहीं गेन कर पा रहे, और ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात जो है जो मैं कहूंगी कि मजबूरन नवाज शरीफ साहब को बोलना पड़ा, ये नौबत उस वक्त नहीं आई थी जब हम एपीसी बुलाकर उसकी रेजोल्यूशन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने वहां आना गवारा नहीं किया था, क्योंकि वो पर्सनल डिप्लोमेसी को
ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे कि मुल्क के ताल्लुकात को क्या करें, तो ये एक कन्फ्यूजन हमेशा रहा और मुशीर खारजा जो हैं वो किरदार अदा नहीं कर सके अपने तजर्बे के बावजूद, जो एक इंडिपेंडेंट और एक स्ट्रॉन्ग और एक कॉन्फिडेंट वजीर खारजा को करना चाहिए था, क्योंकि वजीर आजम साहब का जो अपने मसाइल थे, अपनी दोस्ती थी, अपना 24 घंटे सरहद का खुला रहना था, अपने किसानों के तरकारी और सब्जी के बजाय वहां से इम्पोर्ट करना था, वो आड़े आ रहा था, तो बहुत देर की मेहरबान आते आते इस बोलने का कोई फायदा नहीं अब हो रहा। चलिए ठीक है शैला, आप ये कह रही हैं कि देर कर दी, लेकिन चले एक स्टेटमेंट तो आई, एक ऐसी स्टेटमेंट आई जिससे लग रहा है कि वाकई शायद हमारी तरफ से कोई स्टेप शायद लिया जाएगा। इमरान इस्माइल साहब, लेकिन ये बहुत देर हो गई और अभी वाजे वाजे एक वजीर खारजा लाए, वाजे वजीर खारजा लाए, बहुत सॉलिड पॉइंट है शैला रजा जी। इमरान इस्माइल साहब, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे पार्टी, आप भी गुफ्तगू सारी सुन रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो वजीर आजम साहब ने अभी फरमाया और जो अभी कहा है जनरल राहील शरीफ साहब ने कि फिर हम ऐसा जवाब देंगे कि पता लगेगा, उनके निसाब में पढ़ाया जाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। क्या लग रहा है इस वक्त सिचुएशन जो है किस तरफ जा रही है? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा कि महदूद पैमाने पर या बल्कि जंग हो सकती है, लग रहा है कि कोई महदूद पैमाने पर जंग हो सकती है? पाकिस्तान की हिकमत अमली, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है, जो अभी शैला साहिबा ने फरमाया कि वजीर खारजा जो है वो एक प्रॉपर होने चाहिए, हमारी पॉलिसीज जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए, क्या कमेंट है आपका? बहुत शुक्रिया मेरी। देखिए नंबर वन तो ये कि पाकिस्तानी सरहद पे या सरहद पार से जब भी हमला पाकिस्तान के ऊपर होता है, पाकिस्तान की जमीन पे LOC पे हमला होता है, तो हम सारी जमातें सारे पाकिस्तान के लोग सब हमेशा हिस्टोरिकली है कि हम सब इकट्ठे खड़े हुए हैं और एक साथ हमने मिल के दुश्मन का मुकाबला किया है। चाहे वो आप जितनी जंगें पिछली हुई हैं वो देख लें, उसमें सिविलियंस ने उतने ही आर्मी का साथ दिया है, तमाम सियासी जमातों ने आपस के मुखालफत छोड़ के इस अपने मुल्क वतन अजीज़ को बचाने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह अगर आइंदा ऐसा कोई वक्त आया पाकिस्तान पर तो फिर ये एश्योरेंस है कि हम एक कौम की तरह फिर खड़े होकर मुकाबला करेंगे। ये हमने टाइम्स एंड अगेन देखा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये कौम मुत्तहिद हो जाती है, ये तो जंग की बात हो रही है, तो इससे तो बेफिक्र हैं कि ऐसा वक्त अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अभी तक की हमारी स्ट्रेटजी इमरान इस्माइल साहब ठीक है, ये जो डोजे भेजे जाते हैं, ये जो रास्ते थमाए जाते हैं, ये सब कुछ आपकी तरफ, मैं उधर ही आपकी तरफ आ रहा हूँ कि मुसद्दिक मलिक साहब जो भी फरमा रहे हैं ना कि जी एक वो हमारा मारते हैं तो तीन हम उनके या चार हम उनके मारते हैं, तो ये तो हमारी आर्मी के जवाब है जो वो दे रहे हैं। जाहिर है ऐसा नहीं होता होगा कि वहाँ से उन्होंने एक हमारा फौजी जवान शहीद किया तो वो नवाज शरीफ को फोन करके पूछते होंगे सर तीन मार दो, चार मार दो, ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसा तो नहीं होता होगा। नहीं नहीं देखें, वो महाज पे अपना फैसला खुद करते होंगे, वो यकीनन ऐसा नहीं होता होगा कि वो ख्वाजा आसिफ साहब को फोन करते होंगे या ख्वाजा आसिफ साहब कहते होंगे दो और खड़का दें तो वो दो और मार देते होंगे, ये नहीं होता होगा ना। महाज पे फैसला तो वो जो जंग पे है वो कर रहा है, खुद अपना फैसला करता होगा। हुकूमत का एक्शन जो नज़र आना चाहिए वो हमें वीक नज़र आता है या नहीं नज़र आता। जो अभी बात हो रही है कि हमारी हिकमत अमली बड़ी कामयाब है कश्मीर के मामले में, क्या कामयाबी है मुझे बता दें, मुसद्दिक मलिक साहब खुद अभी बता नहीं सके अब तक कि क्या कामयाबी उन्होंने हासिल की है। हमारा फॉरेन ऑफिस डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा फॉरेन मिनिस्टर डज नॉट एग्जिस्ट, हमारी फॉरेन पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो कामयाब किस तरह होगी? हमारा तो इस वक्त इतना एक्टिव फॉरेन ऑफिस हमें चाहिए, इतना एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जो इस वक्त वर्ल्ड टूर कर रहा हो, जगह जगह जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो, मुल्कों के सफीरों से मिल रहा हो, मिनिस्टरों से मिल रहा हो, जो फॉरेन मिनिस्टर से मिले, फॉरेन ऑफिस को ब्रीफिंग दे, अमेरिका जाए, चाइना जाए, दुनिया भर में घूमे, जाके बताए कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, वो तो मिसिंग है। इफ दैट इज मिसिंग तो आप किसी तरह भी क्लेम नहीं कर सकते कि जी बड़ी जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी आपके पास है, है ही नहीं, तो आप कामयाब उस पॉलिसी को कामयाबी कैसे आप कह रहे हैं कि जी कामयाब हो रही? नहीं हो रही कामयाब। देखें आप सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जब पाकिस्तान की, मैं दोबारा अपनी बात पे आ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की सालमियत का मामला आएगा तो आपको सबसे आगे खड़ा होना पड़ेगा और आपसे जवाब तलब होगा कि आपने फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं अपनी बनाई, फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं लगाया उस वक्त जब पाकिस्तान एक जहाल में है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की जंगी जनूनियत पर बात हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ये हीटेड डिबेट है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में बताते चलें, मुसद्दिक मलिक साहब, इमरान इस्माइल साहब, शैला रजा साहिबा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, आप बताइएगा इस वक्त कि सही हिकमत अमली इस वक्त की क्या होगी। हमने आगाज में भी बात की, बहुत सी बातें की गई कि मुरासले भेजे जा रहे हैं, जो स्टेप्स गवर्नमेंट समझती है सही है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन सब्र और तहम्मुल की इंतहा हो गई, वजीर आजम साहब ने भी कहा। तो फिर क्या कर सकता है इस वक्त पाकिस्तान, बेस्ट पॉसिबल आंसर पाकिस्तान का होगा क्या और होना क्या चाहिए? देखें, आर्मी की रिस्पॉन्स तो बड़ी क्लियर है। आर्मी विल नॉट आस्क फेडरल गवर्नमेंट, जो कि ऑन द स्पॉट डिसीजन होते हैं वो तो फौज ले रही है और लेती रहेगी, और वो उनको इंस्ट्रक्शन भी यही होती है रिस्पेक्टिव कोर कमांडर्स और अगर डिवीजन कमांडर पोस्ट कमांडर्स को। आर्मी के बाद देखें, बेसिकली बात यह है कि इस वक्त जब इंडिया आपके पास इस ऑलमोस्ट आप हालत जंग में है, लेकिन फ़ौज हालत जंग में है, जो हमारी वजारत खारजा और हुकूमत है वो हालत जंग में नज़र नहीं आती, उनको कोई हंगामी इकदाम करने चाहिए वो नहीं किए हैं। आप मुझे बताइए कि हम उनसे क्यों नहीं तमाम मुज़ाकरात ख़त्म कर देते? जस्ट ये जो हमने इतनी दफ़ा वार्निंग दी है, हमारे इतने कश्मीरी शहीद हुए हैं, फ़ौजी शहीद हुए हैं, हम क्यों नहीं कहते कि आपसे हम आज के बाद तमाम तजारत बंद कर रहे हैं ताकि इनको नुकसान, आलू प्याज टमाटर जो पाकिस्तान भेजते हैं और अपने लोगों के किसानों का बिज़नेस ख़राब करते हैं उसको भी बंद करना चाहिए। नंबर दो, तमाम मुज़ाकरात चाहे वो हमारी सर क्रीक है या सियाचिन है या वाटर मैनेज के जो क्राइसिस उन्होंने किए हुए हैं, वाटर टेररिज्म कर रहे हैं, वो ख़त्म करें, और साथ ही साथ ये हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस है, जो भी कॉन्फ्रेंस है, जस्ट एज अ प्रोटेस्ट वी शुड स्टॉप इट टिल द टाइम वी से वी वांट टू सी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात नॉर्मल करें, इंडिया कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है वो बंद किया जाए, देन वी शुड सिट विद देम एंड टॉक टू देम। ये तो एक हमें इमीडिएट एक्शन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे फॉरेन ऑफिस में कोई एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए, ये रवायती अंदाज जो हम चला रहे हैं इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको जॉइंट रेजोल्यूशन क्यों नहीं हम सेशन करते? जो ही जॉइंट रेजोल्यूशन हो गया, इंडिया में दुनिया में पता चलेगा कि पाकिस्तान ने भी सीरियस एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और साथ उनको ये भी बताया जाए। साहब, ये बताइएगा कि कौन है वो लोग जिनको के बिठा के ये फाइनल डिसीजंस किए जाने चाहिए। ये कहा जाता है पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बैठ के इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करे, पार्लियामेंट की खाली बेंचों से आके डिसीजन किया जाए। कौन लोग हैं जिनको के इस डिसीजन मेकिंग में शामिल होना चाहिए? महरीन, आप मुझे ये बताइए, हमने अभी तक कौमी सलामती कमेटी की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? डू वी हैव एनी रीजन जिसमें मुसल्ला फौज के सरबराहान, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आपके साथ बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि दुनिया को पता चले कि आपने कोई डिसीजन लिया है कौमी सलामती कमेटी ने? क्योंकि वो जहाँ फौजी बैठेंगे वहाँ ये हुकूमत साथ बैठना नहीं चाहती है, क्योंकि आपको डिफरेंस इनके आपको न मालूम होते हैं। हालांकि ऐसे मौके पर कोई भी डिफरेंसेज हों, आप लड़ाई जो होती है, जब लड़ाई की तैयारी होती है तो पूरी कौम और नेशन तैयारी करती है, कभी भी मुसल्ला फौज लड़ाई नहीं करते हैं, इट हैज़ टू बी अवाम हुकूमत और फौज मिलके करती है, और साथ फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, इमीडिएट ज्वाइंट सेशन करें ताकि कोई हंगामी सूरत ना हो। आपकी बात पहुंची जी। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने भी बात सुनी, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हंगामी सूरत हाल जो है हंगामी इकदाम का तकाजा करती है, हंगामी इकदाम लेने चाहिए, तजारत को बंद कर दे। एक रवायती जो अंदाज है जो कि आपने बताया उसे शायद कि वो रवायती अंदाज समझते हैं, वो कहते हैं रवायती अंदाज को खत्म कर दिया जाना चाहिए, कौमी सलामती की जो कमेटी है वो बैठे, उसका इजलास हो, फाइनल डिसीजन हो, इन सबका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, जो कुछ चीज़ें ब्रिगेड साहब ने कही हैं वो ब्रिगेड साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर उनका हकीकत से को बहुत गहरा ताल्लुक नहीं है। ब्रिगेड साहब की ये ख्वाहिश हो सकती है कि फौज जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है आइन से, कानून से, जमहूरियत से, मुल्क की एग्जीक्यूटिव से, लेकिन ये ख्वाहिश की हद तक महदूद है क्योंकि मुल्क का आइन और कानून जो है वो अक्सर ये बात नहीं कहता। और ये बात हम कह कह के थक गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अस्करी की आदत है और जो पाकिस्तान की सियासी की आदत है वो एक सफ़े पर है। लेकिन अगर ब्रिगेडियर साहब नहीं मानते और नहीं मानना चाहते और बार बार ये कहते हैं और इस बात पर मुसर हैं कि नहीं है, नहीं है, अगर इकट्ठे बैठेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? क्योंकि हम तो इकट्ठे बैठते हैं, वज़ीर आज़म साहब की तो मुलाकात होती है और ये मुलाकातें तो मुसलसल चल रही है। सलामती कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं। जो हो रहे हैं कि हमने बॉर्डर पे कैसे रिटेलिएट करना है,
हमने किस हद तक जाना है, हमारा कश्मीर पे क्या मौकफ है, ये एक सियासी बसीरत है जो जिसको डिफेंड करने के लिए हमारी अस्करी क़यादत आगे बढ़ती है और मुंह तोड़ जवाब देती है और बेहतरीन और अफजल जवाब दिए हैं उन्होंने अभी तक। और जब भी दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा है, हमारी अस्करी क़यादत ने आइन के तहत मुसद्दिक मलिक साहब, आपको लगता है कि वो हंगामी इकदाम जो कि किए जाने चाहिए किए जा रहे हैं, ये इनको आप हंगामी इकदाम कहेंगे क्योंकि सूरत हाल तो हंगामी है ना? जी बिल्कुल, और हंगामी यही मैं ये जो मसन जो ब्रिगेडियर साहब की बातें आप जो आपने अभी सुनी है, आप तारीख के हवाले से देख लीजिए कि मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर जब अगर आपने जंग करनी हो, अगर हम तैयार हैं, मैंने शुरू में आपसे ये सवाल पूछा कि आप कह रही हैं ये काफी नहीं है, तो काफी क्या है? नहीं तो क्या मुसद्दिक मलिक साहब, हम अपने अपने बच्चों को अपने जवानों को इसी तरह से मरने दें, हम इंतजार करते रहें कि वहां से हमले किए जाते रहे और हम हमलों के जवाब में ही हमले करें, हमारी अपनी क्यों नहीं कोई हिकमत अमली? नहीं महरीन साहिबा, तो आप यही बार बार कह रही है ना, फिर जंग पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए जंग करने में, क्योंकि मैंने तो आपको बारहा बताया है कि हम तो जंग के हामी ही नहीं ना मुसद्दिक मलिक साहब, हम तो अम चाहते हैं, लेकिन अगला अगर जवाब अम का जवाब अम से नहीं देगा और इस तरह की जारियत करेगा तो आप समझते हैं कि ये बेहतर है कि हम अपना पोस्टर दुनिया को अम 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 दिखाते रहे, वो हमारे बच्चों को मारता रहे, वो जारियत करता रहे, हम सिर्फ जवाब में उनके बराबर के या ज्यादा फौजी मार दें? अगर आप मुझे मौका देंगी तो फिर मैं गुफ्तगू करूंगा, और अगर आपने मेरी बात रास्ते में काटनी तो फिर आप अपनी बात कर लीजिए। मुसद्दिक मलिक साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा कहिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुझे मौका देना चाहती हैं बात करने का तो मैं बात अपनी मुकम्मल करता हूं। बिल्कुल मुसद्दिक मलिक साहब, सवाल सिर्फ किया है मैंने तो आपसे। नहीं आप बात का जवाब नहीं लेती ना, सवाल के बाद मैं शुरू करता हूं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अच्छा तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप तारीख उठा के देख लीजिए कि तमाम मामलात जो कौमों के तय होते हैं वो तय आखिर में जंग करने के बाद भी आपस में बैठ के मुजाकरात के जरिए होते हैं। आप कोई दुनिया की जंग उठा के देख लें, पहली जंग अजीम उठा के देख लें, दूसरी जंग अजीम उठा के देख लें, और मैं जंग अजीम की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर स्कर्मिशेस की बात नहीं कह रहा। और हर कौम जो होती है वो एक मतीन तरीके से आगे बढ़ती है जिसके अंदर फौज जो है वो दूसरी फौज को बताती है कि अगर तुमने हमारी तरफ देखा तो एक के बदले में तीन, लेकिन उसके साथ साथ हमने अगर कश्मीर के लोगों के मसाइल हल करने हैं, अगर हमने एक ऐसा अमन कायम करना है जो देर पा हो, जो हमेशा के लिए इस जंग से हमें निजात दे, तो हमें उसके साथ साथ निगोशिएशन भी करनी होगी। हम दोनों चीजें कर रहे हैं, हम उनकी ईंट का उनके पत्थर का जवाब ईंट से दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनको ये भी कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इस अमन को कमजोरी मत समझो और ये मत जानो कि अमन की ख्वाहिश का मतलब है कि कश्मीरी मौकत उससे हम हट जाएंगे या दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। लेकिन अगर ब्रिगेडियर साहब के मुताबिक या आपके मुताबिक हमें पहल करनी चाहिए और हमें जंग करनी चाहिए और हमें हमला बिल्कुल जंग की बात नहीं है, मैं बिल्कुल जंग की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत मौका है, मेरा पॉइंट पे गलत ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें जंग करनी चाहिए, मैं पूछ रही हूँ कि हमारा जवाबन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हमारी जवाबन हिकमत अमली ये है कि अस्करी ताकत हमारी इतनी है कि वो एक हमारी चौकी अगर की तरफ देखेंगे या एक घर की तरफ देखेंगे तो हम नौ चौकियां उनकी उड़ा दें, अगर वो हमारे एक जवान की तरफ देखेंगे तो हम उनके नौ जवान जो है उनको गिरा दें, और इसके बाद हम साथ दुनिया को ये बावर करवाएंगे कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं और हमारे से निगोशिएट करो। और इससे पहले यही सवाल है कैसे करेंगे, मैं समझता हूँ हिना रबानी खर साहिबा ने ये किया, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये किया, तो ये जो है कि आप बम लेके निकल क्यों नहीं रहे और बाहर बिल्कुल कोई नहीं कह रहा इस बात, ये हमारी हिकमत अमली। चलिए ठीक है, हुकूमत की हिकमत अमली हमारे सामने आ गई। मुसद्दिक मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब हम वापस, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कहा कि मतीन तरीके को हम अपनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम दुनिया के सामने भारत के इस चेहरे को, इस मस्कशुदा चेहरे को सामने लेकर आए, तो वो तरीका जो है हमारी हुकूमत ने अपनाया हुआ है और फौज जो है वो अपना काम तो कर ही रही है, वहां से अगर एक हमला होता है तो यहां से उनके चार जवान गिराए जाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये हिकमत अमली है, यही मुनासिब एक हिकमत अमली है और वो समझते हैं कि शायद वज़ीर ख़ाजा साहब को जाना चाहिए क्योंकि यही एक अम का पैगाम है जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ हमारा सवाल बदस्तूर मौजूद है कि क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली सिर्फ यहाँ तक ही रहनी चाहिए, या हम ये नहीं कहते कि जंग करनी चाहिए लेकिन बेहतर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्यों हम भारत को ये मौका देते हैं कि वो बार बार अपने जारहाना रवैये के साथ आकर अटैक करता है, कुछ ऐसा करता है जिसके जवाब में हमेशा हमें कुछ करना पड़ता है। शहर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जानिब से शहरी आबादी को जो निशाना बनाया जा रहा है उससे खित्ते में जंग की एक सूरत हाल जो है, जंग के खदशात जो है वो अब पैदा होने शुरू हो गए। हम बात करें इस वक्त ब्रेक में जाने से पहले, शैला आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनन ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू भी सुनी आपने, सुना मुसद्दिक मलिक साहब क्या कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हंगामी इकदाम करने चाहिए, वो ये भी कहते हैं कि हमें तजारत बंद कर देनी चाहिए। जो जिम्मेदाराना किरदार मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा पाकिस्तान निभा रहा है, आप क्या इससे एग्री करती हैं कि वो काफी है, हम उसी को निभाते रहें, या जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं वो आपको मुनासिब लगता है, ये सब इकदामात अब कर दिए जाने चाहिए? ऑपोजिशन के अलावा अगर आप किसी भी तजिया निगार से बात करेंगी तो वो यही कहेगा कि जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा और जो मैंने पहले भी कहा था कि हम अपनी बातों में इतना आगे निकल गए कि हम फ्रेंडली इंपोर्ट भी करने लगे, और हम वहाँ चले गए फ्रेंडली इंपोर्ट में जहाँ परवेज मुशर्रफ के ज़माने में फ्रेंडली इंपोर्ट हुआ करती थी, जो हमने आके जो है 550 आइटम तकरीबन बंद किए थे, और अब फिर ये कि आप ज़रा ही मसनूआत तक वहाँ से लेते हैं, तो एक तो ये कि ये सिलसिला फ़ौरन बंद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले तो आपने हमारे कहने पर APC बुला लिए और ये गैर संजीदा रहे, लेकिन हमारे पास फिर मैं कहूँगी कि मिसालें मौजूद हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, किस तरह 13 दिन में उन्होंने एक पूरे वो मालिक को अपना हम ख्याल बनाया, किस तरह अपने पार्लियामेंट में आके जाने से पहले सबसे रजामंदी ली। तो अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम कब तक पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे? पहले हम मकबूज़ा कश्मीर के लिए भी हम कह रहे थे कि सही आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, फिर उनके रॉ के एजेंट्स निकले तो हमारी आवाज़ें सही तरीके निकली, तो ये एक है। लेकिन अभी अभी भी मैं समझती हूँ कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम अपने दिफाई तजिया निगारों को बिठा कर, अपने पड़ोसी जो हमारे अच्छे अच्छे ममालिक हैं उनसे बात करके हम एक तरीक़ाकार निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग वज़ीर ख़ारजा की भी ज़रूरत होगी, और इसके अलावा हमें एक नेशनल कंसेंसस डिवेलप करना पड़ेगा। और आज तक हम टेररिज़म के ख़िलाफ़ जंग को तो अपनी जंग नहीं कह सके, एक नैरेटिव नहीं बना सके, और अपने लोगों को ये सेंस भी नहीं दे सके कि आपको सॉफ्ट टारगेट नहीं बनना चाहिए। हमने उसको लोगों के हाथों पे छोड़ दिया, लेकिन अब हमें ये समझाना चाहिए सबको, साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबको टेबल पर बिठाकर डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी। दरअसल आपने शैला जी, इमरान इस्माइल साहब आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, शैला साहिबा ने जो कहा, ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना चाहिए, बैठ के डिसीजन होने चाहिए और डिसीजन को अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ कि, और एक तो ये कि गवर्नमेंट को इतना जाती नहीं होना चाहिए, नोबडी मान के घुस जाए इंडियन बॉर्डर के अंदर और एक तबाही चला दें, लेकिन दुश्मन को एंगेज करने के 50,000 तरीके होते हैं। आप उसको फॉरन मिनिस्ट्री के लिहाज से एंगेज करते हैं, आप उसको दुनिया में यूनाइटेड नेशन में एंगेज करते हैं, आप उनकी आर्मी को जगह जगह एंगेज करते हैं, वो मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके ब्रिगेडियर साहब बता सकते हैं, इनको पता होगा ये अपनी आर्मी के ऊपर भरोसा करें, उनसे पूछें किस तरह एंगेजमेंट होती है, किस तरह उनका अटेंशन डाइवर्ट की जाती है। ये तो नहीं होता कि वो बस आप आगे कह दें कि वो एक हमारा चौकी गिराएंगे तो हम उनकी 9 चौकियां गिराएंगे, कहना आसान है करना मुश्किल है, ये क्या बात हुई? वो उसके बाद वो महाज पे जो खड़ा है वो अपने फैसले खुद कर रहा है, उसका भी क्रेडिट आप ले लें, और फिर आप फौरन महाज पे कुछ भी ना कर सके, आप अपनी आवाज बुलंद ना कर सके, आप कहीं जाके किसी वर्ल्ड को कैसे फोरम पे मुझे बता दें। इमरान इस्माइल साहब, चूंकि वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया, बजा आपने फरमाया बहुत जरूरत है कि अब हम जो है अम तो हम चाहते हैं लेकिन तजलील के साथ हम नहीं चाहते, कुछ फैसले करने होंगे, कुछ फैसले अब इम्प्लीमेंट कर दिए जाने चाहिए, ये हमारे आज के प्रोग्राम का लबे लुबाब है। वजीर खारजा जो है वो बहुत जरूरी है, वक्त की जरूरत है ताकि हमारी आवाज जो है वो अकवाम आलम तक पहुंचाई जाए। मुझे बहरीन सप्ताह इनको इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।